हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गाइस। आज फिर से एक बार हम लोग खेल रहे हैं पोकेमॉन हार्ट गोल्ड वर्जन। और गाइस, अगर आप लोगों ने पिछला वाला एपिसोड देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि भाई हमने जो टीम रॉकेट है उसकी पिछले बार अच्छे तरह से बैंड बजा दी थी और ये स्लो पोक्स को वहाँ पे वेल में बचा लिया था और इनकी पूछ अभी कोई नहीं काट रहा। तो अभी हम लोग क्या कहते हैं उसको, अजीलिया टाउन में ही है और हमने यहाँ के जिम ट्रेनर को अभी तक चैलेंज नहीं किया है, तो आज हम वही करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे अपना रिपेल खत्म हो गया है। ठीक है, रिपेल की अभी क्या ही जरूरत है भाई। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले यहाँ के पोकेमॉन सेंटर में जाते हैं जल्दी से एक बार। ओके, ये रहा, और जाके अपने पोकेमॉन ओकेमॉन की हेल्थ फुल कर लेते हैं। ओके, ऑल राइट, चलो भाई। हेलो एंड वेलकम टू द पोकेमॉन सेंटर, वी रिस्टोर योर टार्ट पोकेमॉन। ओके यस, चलो भाई जल्दी से रिस्टोर करा लेते हैं। ओके ओके, आई विल टेक योर पोकेमॉन फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। ठीक है भाई, और ये शायद हो गया। थैंक यू फॉर वेटिंग। ठीक है, वी हैव रिस्टोर्ड योर पोकेमॉन टू फुल हेल्थ। चलो भाई अपना काम हो गया है गाइस, प्लीज़ कम बैक अगेन एनी टाइम। ठीक है, चलते हैं अभी यहाँ से। ओके, और अभी हमको जाना पड़ेगा यहाँ पे, तो एक बार पहले मैं बोर्ड पढ़ लेता हूँ। अजीला टाउन पोकेमॉन जिम लीडर बक्सी द वॉकिंग बग पोकेमॉन इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है भाई, वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। एक काम करते हैं, पहले मैं अपना पोकेमॉन का लाइनअप एक बार चेक कर लेता हूँ कि सब सही है ना यहाँ पे। ओके, पोकेमॉन रॉकी वॉकी है अपने पास, लेवल भी सबके ठीक ठाक ही है। ये टोकपे को अपने को, सॉरी टोगेपी को अपने को थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग बाद में कर लेंगे। अभी एक काम कर लेता हूँ मैं, पहले अपना जो बे लीफ है ना इसको मैं पहले रख लेता हूँ। ओके, अरे यार लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पे, तो इसका लेवल कम है। ठीक है गाइस, लेवल के हिसाब से रहने देते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, जल्दी से अंदर चलते हैं। चलो भाई, अब पोकेमॉन जिम ट्रेनर बग ट्रेनर कहाँ है देख लेते हैं। ओके, पहले इसके ये चौकीदार से बात कर लेते हैं। यो चैलेंजर बग्सी मेड दिस जिम, इट्स अ ह्यूज नेस्ट ऑफ बग टाइप पोकेमॉन। बग्सी इज यंग बट ही इज अ मास्टर ऑफ बग टाइप पोकेमॉन। इट्स गोइंग टू बी टफ विदाउट माई एडवाइस। लेट्स सी, बग टाइप पोकेमॉन डोंट लाइक फायर, फ्लाइंग टाइप मूव्स आर सुपर इफेक्टिव टू। ओके भाई, अंकल जी ने अपने ही जिम ट्रेनर को हराने के लिए टिप्स दे दिए मुझे, तो उसके लिए हमको क्या बोला इसने, फ्लाइंग मूव्स और कौन से मूव्स बोले यार, मैं इतनी जल्दी चीज़ें क्यों भूल जाता हूँ। ओके, एक और बार मैं पढ़ लेता हूँ क्या बोला था इसने। क्या बोला था, बग टाइप फायर और फ्लाइंग टाइप मूव्स, यार दोनों ही नहीं है मेरे पास। अच्छा नहीं यार, अपने पास पिडजी है ना। ओके, अपने पास पिडजी है, चलो आग वाग नहीं हो तो भी हमारे पास पिडजी है, और बटरफ्री के पास भी दो तीन सॉरी फ्लाइंग मूव्स है शायद, तो चलो देख लेते हैं भाई कुछ कर पाते हैं। ओ तेरी बाप रे, ये क्या अजीब सा बनाया है भाई, ऐसा लग रहा है वो मकड़ी के जाल वाल है पूरे हर जगह फैले हुए, काफ़ी घिनौना सा लग रहा है और थोड़ा डरावना भी है। लेकिन देखते हैं आगे बढ़ के भाई, कहाँ जाना कहाँ है हमको। ओके, अरे तेरी भाई, ये काफ़ी क्रीपी सा है यार, ये कैसा जिम बनाया है इन लोगों ने पता नहीं। ओके, एस्थेटिक काफ़ी क्रीपी है। ओके, लेकिन ये पहला ट्रेनर आ गया है। यू हैव कम ऑल दिस वे क्रॉसिंग द वेब लाइक अ बग पोकेमॉन, अलाउ मी टू टीच यू द चार्म्स ऑफ बग पोकेमॉन। ठीक है भाई, दिखा दो तुम्हारे पास कौन सा पोकेमॉन है वो मैं पहले देखना चाहता हूँ। बग कैचर, ओके बग कैचर के पास है कैटरपी। ओके, कैटरपी का इवॉल्व फॉर्म है मेरे पास बटरफ्री, तो ठीक है गाइज इसको हराते हैं। ओके गाइज, इसको हमने हरा दिया है। ओके यू क्या, अरे यार ये लोग पढ़ने भी नहीं देते यार, इतने फास्ट चले जाता है वो सेंटेंस। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अभी हम आगे बढ़ तो सकते हैं ना यहाँ से, आगे क्यों नहीं जा पा रहा हमें। ओके, शायद वापस इस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। ठीक है, अरे 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 अरे, ये तो वापस जा रहा है भाई। अच्छा, ठीक है गाइज मैं समझ गया, ये वो है, ये वो पजल जैसा है थोड़ा, अपने को यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा तब जाके शायद दूसरे साइड में हम जा पाएंगे। ठीक है, अरे नहीं भाई ये तो वापस वही लेकर, अच्छा नहीं, चलो हाँ अब सही लेकर आया ये मुझे। और यहाँ पे एक और ट्रेनर है सामने, इसको भी हराना पड़ेगा, जल्दी से चलते हैं हराते हैं इसको। ओके, क्या है भाई तुम्हारा नाम। बग पोकेमॉन इवॉल्व यंग सो दे गेट स्ट्रॉन्गर दैट मच फास्टर। ओके, देख लेते हैं इसके पास कौन सा पोकेमॉन है भाई। यू आर चैलेंज्ड बाय बग कैचर बेनी। ओके बेनी, इसके पास है वीडल। ठीक है भाई, इनके पास मेरे ख्याल से ये वम्प, सॉरी क्या था, वम्पल नहीं था वो, क्या नाम था यार, कैटरपी और वीडल ही होंगे शायद, और किसी के पास बटरफ्ली भी हो सकता है। तो ठीक है, इनको जल्दी से हराते हैं।
ओके गाइस, ये वाले बग कैचर को भी हमने हरा दिया। मैं तो गाइस पहले से ही सोच रहा था कि इनके पास सिर्फ क्या कहते हैं उसको, अपना कैटरपी और वीडल ही होंगे, लेकिन इसके पास तो भाई वो एक और क्या कहते हैं बी ड्रिल नाम का एक पोकेमोन था, और फिर वो ककूना नाम का था। तो गाइस आप लोग मेरे को कमेंट में जरूर बताना है ये मतलब कौन से है, और क्या ककूना का इवॉल्व फॉर्म बी ड्रिल है या क्या, मुझे कुछ पता नहीं। अभी मैंने तो भाई पहली बार देखा अभी इस मैच में कि यहाँ पे और बग पोकेमोन भी, और काफी शानदार है भाई, मुझे भी पकड़ने हैं। तो ठीक है, इसको हमने हरा दिया है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ऑल राइट, अरे वो लीवर किस चीज़ का था भाई, वो मुझे दबाना चाहिए था कि पता नहीं गाइस, तो फिलहाल तो मैं नहीं दबाया। तो अब आगे बढ़ते हैं, और ओके यहाँ पे ड्यूअल मैच है, और वो शायद से ट्रेनर है भाई। ठीक है, एमी, हे आर यू चैलेंजिंग द लीडर? नो वे मिमी, इफ यू इंसिस्ट वी विल बी योर अपोनेंट्स। ओके गाइस, अभी इनको कम नहीं आंकना है, मैं इनको थोड़ा कम समझ के बोल रहा था कुछ भी इनको, यहाँ के ट्रेनर्स को, पर इनके पास धांसू धांसू पोकेमोन निकल रहे हैं। ओके भाई, ये स्पिनर एक्ट तो मैंने देखा है, लेकिन ये लेडीबा, लेडीबा ये पहली बार देख रहा हूँ, काफी बढ़िया है भाई, पकड़ने पड़ेंगे मुझे भी। तो ठीक है गाइस, इनको पहले हरा देते हैं। ओके गाइस, इन दोनों छोटी बच्चियों को हमने हरा दिया। ओके, लेकिन ये लोग काफी अच्छी टक्कर दे रहे हैं यार यहाँ पे, तो हमको थोड़ा सा और चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो मैं एक बार एक काम कर लेता हूँ अभी, अरे एक मिनट यार, पहले देख लेते हैं हमको कहाँ पहुँचा रहा है ये। ओके चलो, ये वापस वही पहुँचा रहा है जहाँ से हम आए थे। ठीक है चलो, ये अच्छी बात है। एक काम करते हैं, हम अपने पोकेमॉन्स का थोड़ा लाइनअप चेंज करेंगे। ये जब ड्यूअल बैटल होती है तो रॉकी आ जाता है साइड में, ये हमको नहीं चाहिए रहेगा। इसके जगह पे मैं किसको बुलाऊँ, बेलीफ को बुला लेते हैं। ओके, क्योंकि यार ये रॉक टाइप मूव्स ये इंसेक्ट वालों पे कुछ खास काम कर नहीं रहे, तो इसलिए मुझे लगता है कि काफ़ी रिस्की हो जाएगा अगर मैं उसको रखूँगा तो। ठीक है, अभी सब सही है। और ये लीवर किस चीज़ का है यार, इसको दबाते हैं। ओके, तो इससे वो ब्लू वाला लाइन क्या कहते हैं उसको, वहाँ पे नहीं जाएगा ये लिफ्ट, लेकिन अपने को तो वहाँ जाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको एक्टिवेट करना चाहिए क्या? एक काम, एक सेकंड, पहले मैं अभी इसके ऊपर चढ़ के जाके देखता हूँ कहाँ पे लेके जाते हैं। अच्छा, तो वो लीवर दबाने से हम यहाँ पे आ सकते हैं। ओके ठीक है, मुझे लग रहा था उसको दबाने से यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, यू सेव्ड ऑल द स्लो पोक व्यू, यू आर माइटी, बट माई ग्रोन अप पोकेमॉन्स आर प्रेटी टफ टू। ओके ठीक है, दिखा दो भाई तुम्हारे पोकेमॉन्स, मैं देखने के लिए काफ़ी उत्सुक हूँ। यार हिंदी बोलनी नहीं आती मुझे यार, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आ रहा है, क्या ही बताओ। ओके पारस, पारस जो भी है, इसको मैंने फायर रेड में देखा था। ठीक है गाइस, इसको हराते हैं। ओके गाइस, इस वाले बग कैचर को भी हमने हरा दिया है, तो अभी हम और आगे बढ़ सकते हैं, और शायद फाइनली अब हम चैलेंज कर सकते हैं यहाँ के जिम लीडर को। तो लेकिन वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे वो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो वापस इस लीवर को मैं दबाता हूँ, और अब तो भाई मुझे वो साइड लेके चला जाएगा ये लिफ्ट। तो एक काम करते हैं, हम लोग इस साइड जाने की कोशिश करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो जाएंगे तब भी यहाँ पे वो ग्रीन कलर की घास है, तो वहाँ पे तो कोई काम नहीं हो पाएगा, और इस साइड में भी जाएंगे तो कोई काम नहीं होगा, तो क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, इससे बात करके देखते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू मीट द जिम लीडर, यू हैव टू मूव द वेब यूजिंग द स्विच। ओके चलो, ये तो मेरे को अंदाज़ा लग गया था, या फिर इसको दबाने के बाद पता लग गया था, लेकिन ठीक है अभी वापस इसको दबाता हूँ। और लेकिन यार फिर तो मैं वहीं तक पहुँच पाऊँगा। ठीक है, एक और बार देख लेते हैं, इससे ही बात कर लेता हूँ, ये कुछ बोलेगा तो शायद मुझे पता चले। ओके, इफ़ यू मूव द वेब विद द स्विच, यू विल बी एबल टू फिगर आउट वेयर द लिफ्ट इज़ गोइंग। ठीक है भाई, ये भी मैं समझ गया, लेकिन तुम्हारे पीछे से यहाँ से रास्ता नहीं है क्या यार? अरे नहीं यार, यहाँ से रास्ता होना चाहिए था। ठीक है चलो भाई, कोई बात नहीं, वापस मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और ये लिफ्ट वाले बटन को वापस दबाता हूँ एक बार। ओके, अब वापस चढ़ जाता हूँ। ये लड़कियों के पास एक बटन था, ये मैंने ध्यान, अरे हाँ चलो अब सही हो रहा है। ओके, ये लड़कियों के पास जो बटन है इसको हम दबा के देखते हैं, इससे बात कर लेते हैं पहले। अवर बग पोकेमॉन लॉस्ट, ओ व्हाट अ शेम। ठीक है दीदी जी, कोई बात नहीं, आप लोग ट्रेन कर लेना और सब सही हो जाएगा। ओके, अब मैं इसके ऊपर चढ़ के देखता हूँ ये कहाँ लेके जाएगा भाई हमको। ओके, ये लेके जा रहा है हमको ये वाले स्विच के तरफ। ओके, अब इसको दबाने से मेरे ख्याल से हम लीडर के तरफ जा पाएंगे। ठीक है, इस पे चढ़ जाते हैं, और भाई चलते हैं इस पर्पल बालों वाले लीडर के तरफ। ओके,
काफी तारीफ की थी बाहर वाले चौकीदार ने तुम्हारी दोस्त। देख लेते हैं तुम्हारे पास कौन सा पोकेमॉन है और तुम में कितना दम है। बक्सी, आई एम बक्सी। आई नेवर लूज व्हेन इट कम्स टू बग टाइप पोकेमॉन। माई रिसर्च इज गोइंग टू मेक मी द अथॉरिटी ऑन बग टाइप पोकेमॉन। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट वॉट आई हैव लर्न फ्रॉम माई स्टडीज। ओके, चलो भाई देख लेते हैं बक्सी के पास कौन से पोकेमॉन हैं और कितने ताकतवर है भाई। ओके, तीन है, ठीक है, देख लेते हैं कौन सा पहले। ओ शिट भाई, स्काइथर यार काफ़ी कूल लग रहा है, मेरे को तो पकड़ना ही पड़ेगा इस गेम में स्काइथर एक बार तो। ओके ठीक है गाइस, लड़ते हैं और इसको हराते हैं भाई। चलो मैं इसको कन्फ्यूजन दे देता हूँ, शायद काम कर जाएगा। ओके, इसने लियर पहले यूज़ कर दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, अपन ने कन्फ्यूजन मारा है, देखते हैं क्या होता है। ओके, कन्फ्यूजन मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है, लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ यार, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। एक काम करते हैं, गस्ट, गस्ट यूज़ करते हैं, फ्लाइंग टाइप है, फ्लाइंग टाइप मूव। उसने बोला था चौकीदार ने इनके कि भाई काम करेगा, देख लेते हैं सच बोला था या शेंडी लगाई थी। ओके, काम तो करना चाहिए, देखते हैं कितना डैमेज देता है। ऑल राइट भाई, अब मेरे को पता चल गया इनके ऊपर क्या यूज़ करना है। ठीक है, फायर तो अपने पास नहीं है पर फ्लाइंग टाइप मूव्स काफ़ी है। ठीक है, अगला कौन सा है देख लेते हैं भाई। और यहाँ पे अपना लेवल अप हो गया है, लेवल 20, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पोकेमॉन कौन सा है भाई। ये वाला मैच काफ़ी एक्साइटिंग है, मेटापॉड है, ठीक है, की बैटलिंग भाई। मेटापॉड से शायद मेरा बटरफ्री इवॉल्व हुआ था। हाँ, पहले क्या कहते हैं उसको, कैटरपी होता है, फिर मेटापॉड बनता है और फिर जाके बटरफ्री बनता है। तो ठीक है, इसके ऊपर भी मैं कन्फ्यूजन यूज़ करके देखता हूँ क्या होगा। ऑलराइट, इसके ऊपर तो काफ़ी अच्छा काम किया भाई। ओके, और इसने हमको टैकल दे दिया है जो ज़्यादा असरदार नहीं था, और मैं इसको अभी एंड में टैकल दे। ओ शिट भाई, सुपर पोशन यूज़ कर लिया इसने, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने पास भी हाइपर पोशन वोशन रखे हो, अच्छा नहीं इस गेम में नहीं है, सॉरी गाइस। इससे पहले मैं एमरल्ड वर्जन रिकॉर्ड कर रहा था, उसमें मेरे पास काफ़ी सारे पोशंस थे, इसमें शायद नहीं है। ओके, लेकिन हमारे फ्लाइंग टाइप मूव की बदौलत इसको भी हमने हरा दिया है। अभी देख लेते हैं अगला वाला कौन सा है भाई। ओके, अगला है ककूना। ओके ठीक है भाई, ककूना हम यही पोकेमॉन चूज, सॉरी यही रखेंगे बटरफ्री, दूसरा चेंज नहीं करेंगे। इवन दो इट्स माई लास्ट पोकेमॉन, बग पोकेमॉन आर टफ। ओके यार, इसके पास वो वाला होना चाहिए था, बी ड्रिल जो है वो मेरे को काफ़ी खतरनाक लगा था पिछले वाले बैटल में, वो होना चाहिए था इसके पास, पता नहीं क्यों नहीं है। इसके पास होना चाहिए था, वो पिछले वाले ट्रेनर के पास नहीं होना चाहिए था, पर ठीक है भाई जो भी है। इसको भी हमने एक ही शॉट में हरा दिया है भाई, मज़ा आ गया यार। द फोर्स ककुना फेंटेड। ओके, बटरफ्री गेन 228 एक्सपीरियंस पॉइंट। चलो भाई आगे बढ़ सकते हैं, प्लेयर डिफीटेड लीडर बक्सी, और दैट्स द एंड ऑफ इट। मॉन्टी गॉट 1800। ओके, काफ़ी पैसे मिल गए हैं। चलो अब यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, HM मिलेगा क्या? वो अमेजिंग, यू आर एन एक्सपर्ट ऑन पोकेमॉन, माई रिसर्च इज अन कम्प्लीट येट। ओके, यू विन, टेक दिस बैच। मॉन्टी रिसीव द हाइव बैच फ्रॉम बक्सी। ओके, हाइव बैच से हम कौन सा HM यूज़ कर सकते हैं भाई, जरा बताना। डू यू नो द बेनिफिट्स ऑफ हाइव बैच? इफ यू हैव इट, पोकेमॉन अप टू लेवल 30 विल ओबे यू, इवन ट्रेडेड वंस। पोकेमॉन दैट नो कट विल बी एबल टू यूज इट आउटसाइड। ओके, कट यूज कर पाएंगे अभी। हियर आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू हैव दिस TM89। ओके, क्या है TM89 में भाई? मॉन्टी पुट द TM89। ओके, इसमें यू टर्न, ठीक है, इट लेट्स योर पोकेमॉन अटैक देन स्विच विद द नेक्स्ट पोकेमॉन इन योर पार्टी। चलो भाई अच्छा मूव है यार ये, इजन दैट ग्रेट? हाँ भाई काफ़ी ग्रेट। ठीक है, और कुछ बोलना चाहते हो? बग टाइप पोकेमॉन आर डीप, दे आर मेनी मिस्टीरियस, देर आर मेनी मिस्टीरियस मिस्ट्रीज टू एक्सप्लोर, स्टडी योर टॉप चॉइसेस थरोली। ओके, और कुछ नहीं, चलो इतना ही बोलना था इनको। अभी हम यहाँ से गाइस जा सकते हैं, तो जल्दी से चलते हैं बाहर। ओके, अपने को वही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा शायद, ठीक है इसको हम चालू कर देंगे। अभी हम जाएंगे ये दीदी लोगों के पास, जल्दी से दीदी लोगों के पास चलते हैं। ऑल राइट, पहुँच गए, अभी ये वाला बटन दबा देते हैं। ओके, इसको दबा दिया, अब यहाँ पे पीछे हम चले जाएंगे आराम से। वैसे काफ़ी बढ़िया है लिफ्ट सिस्टम इनका, मकड़ी के शेप का, थोड़ा सा क्रीपी है लेकिन काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, यहाँ तक आ गए, अभी शायद हमको लीवर नहीं दबाना, मेरे को ऐसा लग रहा है, देख लेते हैं फिर भी। ओके, यहाँ तक पहुँच जाएंगे हम लोग आराम से। ओके ठीक है, और शायद हम लोग पहुँच गए, हाँ चलो भाई पहुंच गए हैं भाई। काफ़ी मेहनत लगी इसको हराने में, लेकिन हरा दिया आखिर हमने, तो अभी बाहर निकलते हैं। ओके अंकल, कुछ बोलना चाहते हो क्या? तुम्हारे ट्रेनर को हरा दिया मैंने, वेल डन, दैट वॉज अ ग्रेट क्लैश ऑफ टैलेंटेड यंग ट्रेनर्स, विद पीपल लाइक यू द फ्यूचर ऑफ पोकेमॉन इज ब्राइट। ओके, और कुछ नहीं, चलो इतना ही काफ़ी है वैसे मेरे लिए।
तो अभी हम लोग बाहर चलते हैं। ओके, बाहर आ जाते हैं जल्दी से अजीलिया टाउन में। तो अभी हमको बाकी और चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी थी वैसे इस टाउन में, तो मेरे ख्याल से हम लोग वो अगले एपिसोड में भी कर सकते हैं, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें ही बची हैं, दो तीन घर वर हैं और वो एक्सप्लोर करके फिर शायद हम आगे निकल लेंगे। तो गाइज़ मुझे लगता है कि हमको ये एपिसोड यही पे एंड करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।